के लिए हमने लिया है 2 कप मैदा, बटर लिए हमने 125 ग्राम, नमक लिए हमने 1/4 टीस्पून। मेरा सोल्टेड बटर है तो मैंने नमक थोड़ा लिया, अगर आपका अनसोल्टेड बटर है तो आप नमक 1/2 टीस्पून ले लें। और दूध लेंगे हम हस्बे जरूरत, तो ये चीजें चाहिए हमें चीज की डोज तैयार करने के। मैदे में डालेंगे नमक, मिक्स करेंगे और अब इसमें हम डाल देंगे बटर और अच्छी तरह से बटर को मिक्स कर लेंगे मैदे के साथ। दोनों हाथों से अच्छी तरह मैदे और बटर को मिक्स करें इस तरह। तो ये देखिए बटर को मैदे के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लिया हमने। अब इसमें थोड़ा सा हम दूध डालेंगे और इसे गूंद लेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालना, ज्यादा नहीं डालना। देखिए अच्छे से हमने इसे गूंद लिया, ज्यादा इसे हमने नहीं गूंदना, बस थोड़ा सा इसे गूंदना है। बटर मिक्स करना है और थोड़े से तकरीबन 2 टेबलस्पून या 3 टेबलस्पून आपने इसमें दूध ऐड करना है और इसे गूंद लेना। तो हमने इसे गूंद लिया, अब इसे हम अच्छे से इसका पेड़ा बना लेंगे, इसके 2 पेड़े बना लेंगे और इसे फ्रिज में रख देंगे आधे घंटे के लिए कवर करके। टॉपिंग तैयार करने के लिए हमने लिया है 250 ग्राम बोनलेस चिकन, एक छोटी साइज की कटी हुई प्याज, नमक लिया 1/2 टीस्पून, काली मिर्च का पाउडर लिया 1/2 टीस्पून और ऑयल लेंगे हम 2 टेबलस्पून। तो ये चीजें चाहिए हमें चिकन के लिए। एक पैन लेंगे, फ्लेम ऑन करेंगे और इसमें ऑयल डाल देंगे, ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने देंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, अब इसमें हम ये प्याज डाल देंगे, प्याजों को हल्का सा हम फ्राई करेंगे, सिर्फ हल्का सा इसे पिंक कलर दे। तो ये देखिए प्याज हमारे हल्के से फ्राई हो गए हैं, अब इसमें हम ये चिकन डाल देंगे। चिकन को हम फ्राई करेंगे, तब तक जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। फ्लेम हमने मीडियम रखी हुई है। तो ये देखिए चिकन का कलर चेंज हो गया, अब इसमें हम डाल देंगे नमक, काली मिर्च का पाउडर, मिक्स करेंगे। तो ये मिक्स हो चुका है, अब इसे हम कवर करेंगे 10 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे। 10 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे। 10 मिनट हो चुके हैं, तो ये देखिए चिकन हमारा कुक हो चुका है और इसका पानी भी खुश्क हो चुका है, अच्छे से ये कुक हो गया है। फ्लेम को ऑफ करते हैं और इसको ठंडा होने के लिए साइड पे कर देते हैं। तो कीश के लिए हमारी डो भी रेडी है, चिकन भी रेडी हो चुका है, ठंडा हो रहा है। अब हम क्रीम वाली टॉपिंग रेडी करते हैं। 1 कप हमने क्रीम ली है, 2 अदद अंडे लिए हैं, 1/4 कप दूध लिया है, मस्टर्ड पेस्ट लिया हमने 1 टेबल स्पून, ऑरिगेनो लिए हमने 1/2 टीस्पून, काली मिर्च का पाउडर लिया हमने 1/2 टीस्पून, नमक लिया हमने 1/4 टीस्पून। तो ये चीजें चाहिए हमें क्रीम की टॉपिंग के लिए। तो अब हम ये सारी चीजें क्रीम में मिक्स कर लेंगे। क्रीम में हम डालेंगे अंडे, मस्टर्ड पेस्ट, अगर नहीं है तो मत डालें, दूध, नमक, काली मिर्च का पाउडर, ऑरिगानो अगर नहीं है तो मत डालें, सारा अच्छे से मिक्स कर लें। तो ये देखिए ये मिक्स हो गया अच्छे से, इसे हम साइड पे करते हैं और डो को फ्रिज से निकाल लेते हैं। डो को हमने फ्रिज से निकाल लिया, अब इसमें से 1 लेंगे, बाकी को हम कवर कर देंगे, थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लेंगे और इसे हम बेल लेंगे। तो ये देखिए हमने इसे बेल लिया, अब एक बेकिंग ट्रे ले लेंगे। तो मफन ट्रे लिया हमने जिसमें हम कीश तैयार कर लेंगे, मिनी कीश हम बना रहे हैं। तो 1 लेंगे कटर,
या कोई भी किसी भी चीज का कैप ले लें, उससे आप कट लगा लें। तो ये लगा लिया, जो साइडें हैं उसे हम निकाल लेंगे। इसको हम निकाल के फिर से पेरा बना के बेल लेंगे। अब बेकिंग ट्रे ले लेंगे, अब इसे उठा के इसमें सेट कर देंगे। अच्छी तरह से सेट कर दें। देखिए मिनी मिनी से हमारे कीच तैयार होंगे। तो इसी तरह हम बेलते जाएंगे और लगाते जाएंगे। तो सारे मफन ट्रे पे हमने बेल के लगा लिए, अब इसमें हम फोक के निशान लगा देंगे। इससे ये होगा कि डो हमारी फूलेगी नहीं। तो ये हमने कर लिए, अब इसे हम बेक कर लेंगे 15 मिनट के लिए। 200 डिग्री पे मैंने ओवन को प्रीहीट कर लिया था और 200 डिग्री पे हम इसे रख के बेक करेंगे 15 मिनट के लिए। तो ओवन हमारा अच्छे से प्रीहीट हो चुका है, अब इसे हम रख देंगे। टॉपिंग हमने कर ली चिकन की, अब इसमें डालेंगे क्रीम वाला बैटर। क्रीम की टॉपिंग हमने कर दी, अब इसके ऊपर हम डालेंगे चैटर चीज, ग्रेट किया हुआ खसबे जरूर थोड़ा करके डाल दें। अब थोड़ी सी कटी हुई शिमला मिर्च भी डाल देंगे। कर दिया, अब इसे हम बेक कर लेंगे 200 डिग्री पे रख के 30 मिनट के लिए। बेक हो चुके हैं, इनको हम निकाल लेंगे। अब इन्हें हम निकालेंगे। आराम से निकल आया। तो तैयार है हमारे मिनी कीच, बहुत ही मजे के बनी है। तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा और अब मैं आपको दिखाऊंगी कि अंदर से भी कुक हो चुके हैं। तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको ये मिनी कीच की रेसिपी कैसी लगी।